की मूवी बहुत अच्छी लगी, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ उसकी। जो रानी मुखी जी है वो भी अच्छी लगी मुझे, उसके टैलेंट और सैफली भाई की भी टैलेंट अच्छी लगी। अच्छा, बंटी और बबली वन से बंटी और बबली टू अच्छा था? हाँ, और एक्चुअली उसमें क्या होता है, सैफली भाई उसको पकड़ते बंटी और बबली को, और नकली पैसे बना के उसको बेचते सैफली भाई को, वो पकड़ते रहे। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, फिर उसको मालूम पड़ता है नकली नोट है, फिर पुलिस भी आती है। वेलकम। कैसी लगी बंटी और बबली टू? कैसी लगी बंटी और बबली टू? बंटी और बबली 2005 में आई थी, बच्चन साहब की, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, यशराज फिल्म, सुपर हिट। उस जमाने में 100 करोड़ कमाई थी। आज ये फिर से पार्ट टू लेके आए, कोई ज़रूरत नहीं थी बनाने की पिक्चर, वही प्लॉट है, वही कहानी, वही सब कुछ है, लेकिन वो जमाने, वो मज़ा आया नहीं, कुछ नया नहीं देखने को आपको मिला, कुछ मिला नहीं। उस जमाने तो कचरा से कचरा, जो आज भी गाना सुपर हिट है, इसमें कुछ जमा नहीं। काम अच्छा है तो सिद्धांत का और सरवारी का, उसका काम बहुत ही अच्छा है। सैफ अली खान थोड़े मोटे लगते हैं, रानी मुखर्जी वैसे ही लगती है आज भी, जो 2005 में थी आज भी ऐसी लगती है। हम तुम्हें जो जोड़ी थी वो जोड़ी इसमें जमी नहीं। पिक्चर कुछ खास नहीं है, कन्फ्यूजिंग है, स्टोरी कन्फ्यूजिंग है, ऑडियंस भी कन्फ्यूज है, कि ऑडियंस को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। कई लोग तो, मेरे दोस्त लोग तो आधी पीछे छोड़ के चले गए, अब उसके आगे मैं क्या बोलूँ। तो अभिषेक की कमी खली है, अभिषेक की ज़रूरत थी, बच्चन साहब की भी ज़रूरत थी, कहीं कहीं लग रहे, और बच्चन साहब को बताया गया भी है एक शॉट में, तो बहुत ज़रूरत थी उनकी, क्या करें। अगर रानी पहले जैसी एक्टिंग आपको आज भी दिखी रानी की? नहीं, रानी मुखर्जी वैसी आज भी है, खूबसूरत है, फ्लेक्सिबल बॉडी है, यशराज फिल्म है, लेकिन वो जमा नहीं पाए, स्क्रीन प्ले स्टोरी में कन्फ्यूज है। कितने मार्क्स देंगे आप 5 में से? 5 में से 2 ही दूंगा। कैसी लगी? ओके ओके। कैसी लगी? अच्छी। किसकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगी? अच्छी लगी, अच्छी थी मूवी। रानी की एक्टिंग कैसी थी? अच्छी थी, अच्छी थी मूवी। बंटी और बबली एवरेज, कंप्लीट एवरेज फिल्म थी। कहाँ कमी लगी आपको? कई जगह हंसी नहीं आती है, कई जगह थोड़ा बोर होता है, तो मुझे वो सब थोड़ा बोर होती है बीच बीच में। कई जगह ह्यूमर अच्छा है, कई जगह ह्यूमर फ्लैट हो जाता है। एक्टिंग की में कमी लगी या फिर स्टोरी में? एक्टिंग में तो बिल्कुल कमी नहीं है, एक्टिंग सबके अच्छे हैं, पंकज त्रिपाठी सर से लेके वो छोटा बच्चा, सैफ और रानी मुखर्जी का, सबका परफॉर्मेंस रियली अच्छा है, पर स्क्रीन प्ले थोड़ा नहीं है इतना अच्छा, परफॉर्मेंस सबके अच्छे हैं। अभिषेक और सैफ में अगर कंपेयर करें तो किसकी एक्टिंग ज़्यादा? अभिषेक, ओवरऑल सैफ बेटर, पर ये कैरेक्टर के लिए तो ऑब्वियसली अभिषेक। तो आपको लगता है कि अभिषेक होने चाहिए? ऑब्वियसली अभिषेक होने चाहिए थे, तो वो कैरेक्टर में, वो कैरेक्टर को कंटिन्यू करने में वो अच्छा और अच्छा करते ना। अगर बंटी और बबली 1 और 2 में कंपेयर करें तो कौन सी ज़्यादा अच्छी? बंटी बबली 1 अच्छी थी कंपेरेटिवली, बट ये इट्स अ डिसेंट वॉच। बट जो लोग घर पे हैं उनको क्या बोलेंगे, आना चाहिए मूवी देखने? हाँ, अच्छा है, आफ्टर लॉन्ग टाइम डिसेंट एंटरटेनर है तो देख सकते हो, थिएटर खुले तो एंजॉय करो ना, यू माइट लाइक द फिल्म। कमर्शियल फिल्म तो ऐसे ही है, किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे नहीं लगते, या किसी को एवरेज लगते, तो यू माइट लाइक द फिल्म, ये बोलूँगा। रानी की एक्टिंग के बारे में कुछ कहेंगे? रानी की एक्टिंग पहले जैसी अच्छी एक्टिंग है, और वो अपने फिल्म अपने शोल्डर्स पे कैरी कर सकती है, शायद ये कर सकती है, और फ्रेंचाइज फिल्म है तो कर लेगी। कैसी लगी मूवी आप? मूवी इज़ नॉट अप टू द मार्क, मतलब कि ओके लगी मुझे, एवरेज। हालांकि फर्स्ट मूवी तो आपको पता ही है, बंटी और बबली, वो तो सुपर हिट हुई थी बिकॉज ऑफ बच्चन फैमिली, अभिषेक बच्चन, द गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन एस दशरथ सिंह, जो मैजिक, मतलब कि मज़ा आया था फर्स्ट वन में, एंड आइटम सॉन्ग भी था, आप सबको पता ही है, उसके वजह से सुपर हिट हो। बट इसमें क्या है, अभिषेक बच्चन का रोल सैफ अली खान को दिया गया, तो वो मतलब कि कॉमेडी मूवीज़ में वो सूट ही नहीं होते। अभी उनकी बीच में एक और मूवी आई थी भूत पुलिस, वो भी इतना कुछ कास्ट नहीं रही। सैफ अली खान मतलब कि लगता है कि उनको रेस जैसी मूवी देनी चाहिए, एंड मूवी में भी कुछ फर्स्ट हाफ तो एकदम ही स्लो चल रही थी, कुछ भी मतलब कि नयापन नहीं था, आउटडेटेड लगी। ऑफकोर्स बंटी और बबली 16-17 साल पहले रिलीज हुई थी 2005 में, एंड अभी देखना मतलब बहुत आउटडेटेड लगती है। सेकेंड हाफ भी मतलब कि बहुत ही बोरिंग थी, एंड सैफ अली खान शायद से ये शूटिंग जो थी कोविड के पहले चालू हुई थी, एंड इसका कंटिन्यू हुआ था लॉकडाउन, मतलब कि जैसे मतलब कि कोरोना के केसेस कम हुए, तो सैफ अली खान फर्स्ट हाफ में एकदम फैटी लगते,
एकदम मोटे लगते हैं एंड सेकेंड हाफ में एकदम मतलब फिट हो जाते हैं। एंड कुछ भी लॉजिक नहीं है, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और एक नई लड़की आई है शर्वरी वाघ, उनका काम इन दोनों का काम से ज़्यादा था और ये दोनों पे भारी पड़ गया एक्चुअली देखा जाए तो। एंड इसमें दिखाया गया है कि फर्स्ट हाफ में इन लोगों ने ऑलरेडी वो फाइट सीक्वेंस में ये दोनों के चेहरे दिखाए है, सेकेंड हाफ में इन लोग बेस बदल कर मतलब कि कोई उनको पकड़ने जाते हैं, मतलब कि कुछ लॉजिक नहीं है ये मूवी का। एंड आइटम सॉन्ग नहीं है एंड कुछ भी, एक ही सॉन्ग है बंटी और बबली जो है टाइटल सॉन्ग, तो इतना मज़ा नहीं आएगा ऑडियंस को। कोई कोई लोग ओनली 10% लोग आए हुए थे, हालांकि लास्ट टू लास्ट भी सूर्यवंशी के लिए इतने भीड़ थे, वो भीड़ नहीं नज़र आई। और प्लस आधे लोग तो थिएटर इंटरवल के बाद से ही भाग गए। एक्टिंग तो दोनों का बराबर ही थी, नई वाली बबली जो है शर्वरी वाघ उनका काम ज़्यादा मतलब कि बड़ा था। रानी मुखर्जी हाँ ऑफकोर्स 16 साल पहले जो कमाल दिखाई एज अ बबली, तो इसमें मज़ा नहीं आया। बीच बीच में सैफ अली खान और रानी मुखर्जी जब भी का केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा लगता है, क्योंकि वो जब भी वो शर्वरी वाघ से वो थोड़ा सा ऐसा फ्लर्टिंग करते हैं तो वो थोड़ा गुस्से हो जाती है वैसा, वो ठीक है बट कंपेरेटिवली बहुत वीक रही मूवी। एंड हाँ बहुत मिस किया एक्चुअली, दिस रोल डिजर्व्स टू अभिषेक बच्चन ओनली, क्योंकि क्या किए थे 2005 में जो ताजमहल बेचने चले, मतलब वो सब मज़ा था ही नहीं। एंड हम लोग ने बहुत अभिषेक बच्चन को बहुत मिस किया। आज उनका एक ट्रेलर भी आया है बॉब बिस्वास, तभी भी अगर देखो तो हम लोग मतलब कि जो अगर अभिषेक बच्चन होते तो बहुत अच्छा रहता था, बट सैफ अली खान इज़ नॉट सूटेड फॉर कॉमेडी मूवी अभी। पाँच में से आई कैन गिव 2 to 2.5 star तक दे सकते हैं। वेरी नाइस। रानी और सैफ की जोड़ी को इतने दिन बाद देखा कैसा लगा? वेरी गुड। मतलब बंटी और बबली वन को देखेंगे तो बंटी और बबली टू ज़्यादा अच्छी थी कि बंटी और बबली वन? वन इज ऑलवेज गुड। तो कितने मार्क्स देंगे आप पाँच? ऑल फाइव। थैंक यू। नाइस। बंटी और बबली वन से ज़्यादा अच्छी थी? नो, एवरेज वाइज। रानी और सैफ की एक्सीलेंट। रानी और सैफ की जोड़ी कैसी लगी? गुड, दे आर ऑलवेज गुड केमिस्ट्री इज एक्सीलेंट। इसमें अभिषेक भी नहीं थे, अमिताभ भी नहीं थे, तो कमी खली आपको? नो नो, अमिताभ एंड अभिषेक दैट इज द डिफरेंट पार्ट, बट द स्टोरी वाइज इट्स अ टोटली डिफरेंट एंड पार्ट 1 इज टोटली डिफरेंट। द ट्रिक्स व्हाट दे आर यूजिंग फॉर द फ्रॉड इन पार्ट 1 दैट इज टोटली हाई क्लास, इसमें उतना नहीं दिखा क्लास। मतलब कमी द मूवी। मतलब कितने मार्क्स देंगे पाँच में से? 3.5। कैसी लगी सर? बेकार। कैसी लगी मूवी? ठीक ठाक ठीक ठाक। एक्टिंग कैसी लगी रानी की? ठीक ठाक ही। अच्छा मतलब कितने क्या बोलेंगे मूवी के बारे में, देखना चाहिए लोगों को आके? मूवी मतलब स्टोरी ठीक ठाक है, लेकिन मतलब स्टोरी को कैसे बताया जाता है वो अच्छा नहीं है। मतलब डिसअपॉइंटेड हुए? हाँ, जिस हिसाब से मैं देखने आया था वो हिसाब से मूवी में मतलब जो मतलब बंटी और बबली जैसी पहली मूवी थी उस टाइप की ये नहीं है। सैफ और अभिषेक में किसकी एक्टिंग ज़्यादा है? सैफ अली खान तो अच्छी एक्टिंग किया है, सैफ अली खान तो एक्टिंग अच्छी किया है। मैंने बताया ना कि जैसे जिस हिसाब से बताया जाना चाहिए था उस हिसाब से बताया नहीं गया मूवी को। फिर कितने मार्क्स देंगे पाँच?